तो यार किसी महापुरुष ने बहुत ज़्यादा सही बात कही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हाँ तो भैया सलाम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुना अपने हाल चाल। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं और ये व्लॉग मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, तो ये नहीं पता मैं व्लॉग डालूंगा अभी या नहीं डालूंगा, बस मैं एक बार बना रहा हूँ। अभी मैं एक आविष्कार करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो मुझे आवश्यकता है एक सॉफ्ट लाइट बॉक्स जो आता है, मतलब जो फोटो स्टूडियोज में आपने देखा होगा तो उसको सॉफ्ट लाइट बॉक्स कहते हैं। तो भैया वो आते हैं आई थिंक 7-8 हज़ार रुपये के, जहाँ तक मैंने अमेज़ॉन पर देखा है। फिर हमने सोचा कि भैया देखो इतना तो अपना बजट है नहीं, तो क्यों ना एक खुद का सॉफ्ट लाइट बॉक्स बनाया जाए। फिर भैया हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भैया ये कैसे किया जा सकता है, तो जो मैंने सोचा है उसके हिसाब से मैं आपको सामान दिखा देता हूँ कि भैया क्या क्या सामान मैंने लिया है और क्या मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया मतलब है। अगर वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो भैया मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और कई लोग जो सॉफ्ट लाइट बॉक्स लेना चाहते हैं उनके लिए एक राम मणिला साबित होगा। पहले ये देख लेते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। तो अभी रात खाली पड़ी अपनी, नींद आ नहीं रही है, तो भैया चलो आविष्कार ही कर लेते एक। तो भैया ये कुछ सामान है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना खुद का सॉफ्ट लाइट बॉक्स बनाने के लिए। सबसे पहले तो एक ये बॉक्स है माइक्रोवेव का, ऐसे ही स्टोर में पड़ा था तो मैंने ये उठा लिया है। आप कोई भी बॉक्स उठा सकते हो, तो अच्छा मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, थोड़ा एवरेज साइज़ में। मेरे पास ये था तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास क्या क्या है, एक LED है होल्डर के साथ, वायरस मैंने पहले ही लगा ली ऑलरेडी, डबल साइड टेप है DST जो अपनी होती है नॉर्मल से, कैची है, और ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने इस होल्डर के साइज़ का ये यहाँ पर मार्क लगा लिया है। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, डबल साइड टेप पहले बॉक्स के अंदर चिपकाऊंगा और चारों तरफ उसके एल्युमिनियम फॉइल चिपका दूंगा। एल्युमिनियम फॉइल चिपकाने का रीज़न ये है ताकि लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा बाहर को आए, तो इसलिए मैं सबसे पहले उसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल चिपकाने वाला हूँ। उसके बाद जो मेरा होल्डर है मैं उसको डबल साइड टेप से अंदर चिपकाने वाला हूँ, और एक जो उसमें दो स्क्रू के जगह दी होती है ना, मैं इसे एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो, एक तो ये छेद है और एक ये दूसरी तरफ छेद है, तो इन छेदों के अंदर से मैं वायर निकालूंगा और उसको बॉक्स के नीचे से बांधूंगा ताकि डबल सिक्योरिटी हो जाए, डबल साइड टेप की भी और वायर से भी, ताकि ये मतलब ढीला होकर गिर ना जाए। उसके बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब इसके बाद फिर अपनी LED अंदर सेट हो जाएगी इसके अंदर, और फिर मैं इस बॉक्स को ऊपर से कवर करूंगा ट्रेस पेपर से। ट्रेस पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेस पेपर रखा हुआ है, ये ट्रेस पेपर होता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आर पार मतलब बहुत आसानी से दिखता है, तो ये अपना ये लगा लो, लगभग एक सॉफ्ट लाइट बॉक्स जो हम बना रहे हैं उसका ये ऊपर से ढकने के लिए हो जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरा सोचना है, अगर वैसा ही काम हो गया तो भैया मेरे बहुत ज़्यादा रुपए बच जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो क्या मतलब क्या ही दुख है, कुछ भी नहीं है, है ना। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है भाई, LED और होल्डर दोनों मिला के मेरे 107 रुपये का आया था। डबल साइड टेप आपकी 30 रुपये की आती है, एल्युमिनियम फॉइल आ जाएगी आपकी 30-40 रुपये की, और बॉक्स आपको घर में पड़ा ही मिल जाएगा, आप कहीं भी आसपास पड़ोस में पता कर सकते हो, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला है। तो चलो मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यार फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, पसीनों से नहा चुका हूँ मैं, तो सीधा मैं अभी कार्रवाई शुरू करता हूँ और आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि भैया हम इस आविष्कार मतलब आविष्कार बनाने मतलब आविष्कार करने की जो हमारी जर्नी है उसमें हम पास होते हैं या फेल होते हैं। अभी अपडेट ये है कि मैंने क्या किया, ये जो LED था ना, इसका होल्डर के साथ मैंने क्या किया, नीचे डबल साइड टेप लगा दिए, और ये जो इसके स्क्रू डालने वाले जो मतलब इसके दो होल्स हैं ना, इनमें मैंने कार्डबोर्ड में नीचे छेद कर दिया है, और ये वायर एक डाल दिया ताकि वायर से मैं इसको टाइट कर सकूं और DST से अच्छे से बंधा है, तो ताकि डबल सिक्योरिटी हो चुकी है। अब ये बिल्कुल अपनी प्लेस पर अच्छे से बैठ चुका है। अभी मैं इस बॉक्स को पलट के ये जो वायर्स हैं इनको बिल्कुल अच्छे से गांठ मार देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मतलब अच्छे से जम जाए अपनी जगह पे। उसके बाद फिर मैं अंदर इसके चारों तरफ एल्युमिनियम फॉइल लगाने वाला हूँ। एक और शॉर्ट अपडेट देनी है आपको, ये है कि भैया अभी मैं ना इसके अंदर DST लगा रहा हूँ, तो जितना हो सके आप उतनी DST लगाना ताकि आपकी एल्युमिनियम फॉइल अच्छे से चिपक जाए, और कोने में जो आप लगाओ ना तो उसको बिल्कुल चिपका, कोने में बिल्कुल कोना है तो मतलब कोने में इसको रखना ताकि एल्युमिनियम फॉइल आपकी अच्छे से चिपक जाए। तो अभी पहले नीचे लेयर लगाऊंगा, फिर इसके चारों तरफ लगाऊंगा, उसके बाद जो अपने ट्रेस पेपर है उधर उसको उठा के इसके ऊपर लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट रहता है। ओके, तो अभी मैंने एल्युमिनियम बिल्कुल चारों तरफ से मतलब एल्युमिनियम फॉइल इसके चारों तरफ बहुत अच्छे से लगा दिया डबल साइड टेप से, और मतलब कुछ कुछ जगह से फट गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, एल्युमिनियम होता इतना डेलीकेट है। और बीच में मैंने थोड़ी टेप लगाई क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे थे, तो ये हमारा कुछ
बन चुका है सॉफ्ट लाइट बॉक्स, थोड़ा थोड़ा लग रहा है जैसा। अभी इसके ऊपर हमें ट्रे से ऊपर लगा के देखना है और फिर देखेंगे ये काम करता है या नहीं। तो भैया फाइनली अपनी स्टूडियो लाइट कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। लास्ट टाइम मैंने बस ये किया, जो ट्रेस पेपर था ना, मैंने सिर्फ इस बॉक्स के ट्रेस पेपर लगा दिया और अपनी स्टूडियो लाइट कम्प्लीट हो चुकी है। अभी वक्त है इसको टेस्ट करने का। टेस्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अपने कंप्यूटर के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूं, तो यहां पर लाइट कंडीशंस कुछ इतनी अच्छी रहती नहीं, क्योंकि जो लाइट है वो मेरे एक तो वो पीछे और एक ये पीछे है, तो ये दोनों ऑन रखता हूं तो फिर भी मुंह पे यार शेडोज थोड़ी थोड़ी आ ही जाती हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट ऑन करके दिखाता हूं। तो ये देखो आप, लाइट कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। ट्रेस पेपर लगाने का पता रीज़न क्या है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पर लाइट अगर आपको दिख रही है, बिल्कुल इवन लाइट है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि सेंटर में बहुत ज़्यादा है और कॉर्नर्स में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इवन लाइट आ रही है। और ट्रेस पेपर लगाने का यही रीज़न है कि जो लाइट है ना, ये लाइट को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते। और अभी आप देखो, आपको मतलब मेरे चेहरे की डिटेल्स अच्छे से दिख रही होंगी, पसीना भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा और चेहरे पर थोड़ा सा मतलब निखार ये दे रहा है। तो ये काम होता है स्टूडियो लाइट का। अगर आपके मतलब अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, मतलब कि आप एक जगह बैठ के वीडियो बना लेते हो या फिर आप घर में अपनी वीडियो शूट करते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप फोटोग्राफर हो नॉर्मल से, जो अपने घर में ही फोटो शूट करते रहते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई मतलब अपनी फोटोग्राफी का भी आप कर रहे हो, तो वैसे पोर्टेबल नहीं, आपने एक बार ये जहाँ पे रख लिया वहाँ पे आपने रख लिया, मतलब ये जो बॉक्स, आप बॉक्स यार कहीं भी मूव कर सकते हो, लेकिन आप इसको बाहर नहीं लेके जा सकते हो, घर में आप इसको यूज़ करो आराम से। तो ये आपके काफ़ी मतलब मददगार रहने वाली है, ये जो मतलब सॉफ्ट लाइट बॉक्स है आप लोगों के लिए। और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 200-250 रुपये लगे होंगे सिर्फ। और ये देखो आपकी ये जो लाइट है बहुत अच्छा काम करती है। मेरे को ना पता, सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि जो लाइट है ना, इसमें सेंटर में ज़्यादा लाइट रहेगी और कॉर्नर्स पे थोड़ी कम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइट बिल्कुल इवन है। तो बहुत अच्छे मतलब ये मेरे लिए होने वाले, तो फ्यूचरिस्टिक जो मेरी वीडियोज़ होंगी, जो टॉकिंग हेड वीडियोज़ होंगी, उसमें ये सॉफ्ट लाइट बॉक्स बहुत काम आने वाला है मेरे लिए। पीस आउट। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अगेन, वैशाली देसवाल। देसवाल तो ना करी, और गुलिया कहनी, गुलिया हो गई ना, मैं वैशाली देसवाल गुलिया, हाँ है ना। चुप जा सांब। अच्छा एक मिनट, तू कौन का मार्च राजा कर ले रहा है। अरे मैं थोड़ी नर्वस हो जाऊं तेरे क्या आगे, देख पसीने में आ लागे मेरे पांच चले। अरे और बात। तो दोस्तों सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूँ वैशाली और आज फिर से मुझे गौरव का कैमरा मिल गया है, तो अब अपनी मनमानी चलेगी। इसने एक ये आई डोंट नो क्या है, सॉफ्ट बॉक्स या जो भी बॉक्स है, पता नहीं है, इसने कुछ तो स्टूडियो लाइट कुछ तो इसने बनाई है। तो ये देखिए, पहले तो मैं खुश हुई कि अच्छा काम किया है। खैर मतलब एक डिजाइनर का भाई है तो क्रिएटिव है, इतनी अकल उसमें है कि कैसे पैसे बचाने हैं और कैसे अपनी चीजें सस्ते में बनानी है, जुगाड़ कैसे करना है। पर ये जो साइड में जो गंद दिख रहा है इसका, ये हमका पसंद ना आया भैया, बिल्कुल पसंद ना आया ये हमका। तो इसको आज हम करेंगे पेंट। पेंट कैसे करेंगे हम उसको, मैं उस पर लगाने वाली हूं A3 आइवरी शीट और उसके बाद हम उसमें करेंगे नियॉन कलर्स। और उसको काटने वाटने के लिए हमें चाहिए बलेडा। भाई मार दो बलेडा की कती बाहर आ रही है, बलेडे ही बलेडे पेन बलेडे कती घने भयंकर पेन बलेड। और हमें चाहिए एक स्केल। क्या स्केल मेरा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, इससे मैं गौरव को भी मारती हूँ कभी कभी। सो हम इस साइड कलर करेंगे, ये वाली साइड, और हम इसका जो दूसरा साइड है, आई डोंट ओके यू कैन सी इट नाउ, हम इसमें भी कलर करेंगे, ऊपर देखी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी देर की मेहनत के बाद में अब हमारा लाइट बॉक्स बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ एक और बात, मैं पहले आपको बोल रही थी कि इस पे व्हाइट शीट लगाने के बाद हम इसको पेंट करेंगे, पर पेंट करने के बाद शायद ये इतना अच्छा ना लगे जितना अच्छा ये अब लग रहा है, बिल्कुल क्लीन। तो जो यूजुअल लाइट बॉक्स जो आता है वो आई गेस 4200 के अराउंड आता है, लेकिन हम लोगों ने जो ये वाला लाइट बॉक्स बनाया है, जो गौरव ने लाइट बॉक्स बनाया है और मैंने जिसको थोड़ा सा संवारा है, वो अंडर 200 हो गया पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट व्लॉग मुझे नहीं पता अब कब बन पाएगा, शायद वेल कुछ भी नहीं कह सकते कब बन पाएगा। तो जब तक मैं नेक्स्ट व्लॉग में आती हूँ, तब तक के लिए सलाम, राम राम, सत श्री अकाल एंड
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, स्टे सेफ एंड जय हिंद दोस्तों। क्या करा मेरे फोन खेल तो बोल बोल मेरे फोन न्यू तो बताना उल्लख रहा के उस पर फलाना तो गड़े। हाँ पंखा चलाएगा पसीने सूख लेने मेरे। एक टेक ले ले फिर दूसरा ले लेंगे। हाँ दूसरा टेक लेना पड़ेगा। बढ़िया कौन है ठीक है ना। तो जब आज छोड़ रखे है।